फोर्थआई न्यूज, नजर हर खबर पर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फोर्थआई न्यूज के इस वेब पोर्टल पर। दोस्तों, बड़े दिनों बाद शायद छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए एक राहत भरी खबर आई है और वो अब हर दिन 30 से 40 लाख रुपए अतिरिक्त कमाई करेगी। जी हाँ, लेकिन ये जो कमाई है वो उसके लिए सिरदर्द भी साबित हो रही है, क्योंकि ये कमाई उसके जो घोषणा पत्र में वादा था उसके उलट शराब से होने वाली है। जी हाँ, दरअसल जो छत्तीसगढ़ में चुनाव की वजह से शराब की जो टाइमिंग थी, ठेके की जो टाइमिंग थी, वो दोपहर 12 बजे से रात को 9 बजे तक कर दी गई थी और अब वो टाइमिंग वापस सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक कर दी गई है। यानी कि जो शराब के शौकीन हैं उनके लिए 2 घंटे का अतिरिक्त वक्त है, वो 1 घंटे पहले जाकर करीब 11 बजे के बाद जाकर शराब खरीद सकते हैं और वहाँ पर रात को 10 बजे तक शराब खरीद सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इससे जो अधिकारी, जो आबकारी अधिकारी बता रहे हैं कि 30 से 40 लाख के करीब हर दिन अतिरिक्त कमाई होगी, जो कि फिलहाल कम हो गई थी चुनाव की वजह से। अब सवाल ये उठता है कि जो सरकार शराबबंदी की तरफ जाने की बात कर रही थी, ग्राम सभाओं में ग्राम सभा करा कर रजामंदी कराने की बात कर रही थी और उसके बाद शराब को बंद करने की बात कर रही थी, वो सरकार अभी टाइमिंग को लेकर खामोश है। टाइमिंग 2 घंटे बढ़ा दी गई है, यानी कि अगर आपको बंद करना है तो जो टाइमिंग थी 9 से, जो टाइमिंग थी 12 से 9, तो वो टाइमिंग ही क्यों नहीं रखी जा रही है, बल्कि उसको बढ़ाया क्यों जा रहा है। जाहिर है कि यहाँ पर सरकार को अपना मुनाफा ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि 2 घंटे की जो टाइमिंग होगी उसको उससे अतिरिक्त आय मिलेगी। मतलब साफ है कि जो छत्तीसगढ़ की आधी आबादी है, यानी कि जो महिलाएं हैं, उनको फिलहाल कांग्रेस सरकार कोई राहत नहीं देने जा रही है और वो शराबबंदी की तरफ फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि 50 दुकानें बंद करने की बात करती है, लेकिन ये भी लगातार खबरें आ रही हैं कि शराब की और भी दुकानें खोली जा रही हैं और खोलने की प्रोसेस चालू है। तो जाहिर तौर पर जो शराब का वादा किया था, शराबबंदी का जो वादा किया था, वो अब कांग्रेस की गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि इससे आय बहुत है और इसको पीने वाले बहुत हैं। और तो और अगर ये भी कहें कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार है, उसके जो विधायक हैं, उसका जो मंत्रिमंडल है, वो भी इस शराब के मोह से अछूता नहीं है और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को फिलहाल इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि कब तक कांग्रेस अपने इस बड़े वादे को निभाती है। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फोर्थआई न्यूज, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।